हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि क्या होता है जिस दिन हमने इंट्रोडक्शन क्लास लगाई थी, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी की ही बात करने वाले हैं। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? तो सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है बॉडी के अंदर, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, या काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, या कह सकते हैं एनर्जी पॉजिटिव बाई द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। जैसे बंदूक से आप फायर करते हो तो बुलेट निकलती है। अब ये बुलेट अगर किसी को लगती है, किसी को भी लगती है, तो क्या करता है कि उस बॉडी को पेंट्रेट करती है और पेंट्रेट करके आगे निकल जाती है। तो ये जो पेंट्रेट करने की कैपेसिटी आ गई इस बुलेट में, वो किसकी वजह से आई है? ड्यू टू द मोशन आई है, फास्ट मोशन की वजह से इसमें मोमेंटम आया, और उस मोमेंटम की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इसको पेंट्रेट करके निकल गई। या आप क्या करो, एक विंडो ले लो, आप एक विंडो ले लो और उस विंडो को, ग्लास का विंडो है, और उस पर एक क्या करो, पत्थर फेंक दो। आप पत्थर फेंकते हो तो क्या करता है कि ये पत्थर क्या करता है, इस विंडो को आता है और क्रैक करके चला जाता है। अब ये जो क्रैक हो गया या टूट गया ये विंडो, ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द मोशन ऑफ द स्टोन। स्टोन के मोशन की वजह से आया और इसमें अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दिया, और ये मोमेंटम की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये टूट गया। तो जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस एनर्जी को ही हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हमने एक दो एग्जांपल आपको यहाँ पर बताया। रोलिंग बॉल हुआ, या हम कह सकते हैं कि सबसे जो पॉपुलर एक एग्जांपल है कि न्यूटन सर ने देखा कि एक पेड़ है और उस पेड़ से सेब जो है वो गिरता है, सेब गिरता है, तो वो उसका जो मोशन है यानी कि फॉलिंग द एप्पल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो कोई भी स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कोई भी स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, इट मीन्स दैट कि दे हैव सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि उसमें कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है जो कोई भी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर अगर सब में काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे होता होगा, ये काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते होंगे? तो इस काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट करने का एक तरीका है, तो हम लोग वो तरीका भी देख लें कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये? तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बाई अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये बात भी आपको नोट कर लेना होगा कि क्या है ये। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल किसके है, वो इक्वल है अमाउंट ऑफ वर्क के। किसके इक्वल है? अमाउंट ऑफ वर्क के इक्वल है। इक्वल है अमाउंट ऑफ वर्क, और किसके अमाउंट ऑफ वर्क के इक्वल है? मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए। मूविंग बॉडी को क्या करने के लिए? स्टॉप करने के लिए। याद रखना, मूविंग बॉडी को क्या करना है हमको? मूविंग बॉडी को स्टॉप करना है। मूविंग बॉडी को स्टॉप करना है यानी कि उसकी लास्ट वाली वेलोसिटी जीरो करनी है, लास्ट वाली वेलोसिटी जीरो करनी है। अब आप सोचो कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। सोचो, तो अगर हम सपोज कर लें कि एक बॉडी है और उस बॉडी का मास जो है स्मॉल एम है, और वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसे वी वेलोसिटी से जा रहा है, और जिस वी वेलोसिटी से जा रहा है कंटिन्यू, उस वेलोसिटी को मेंटेन रखने में जो उसके ऊपर फोर्स लगाया गया, वो एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। अब अगर इस बॉडी को हमको रोकना है, मान लो यहाँ पर रोकना है, यानी कि यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर दूँ कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी भी वी है, ये इनिशियल वेलोसिटी वी है, और यहाँ पर वी डैश जो है फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो गया है? जीरो। तो हमें इस बॉडी को रोकना है। अच्छा, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी वी ही होगी, इस कांस्टेंट फोर्स के अंडर आ रहा है, तो रोकने के लिए भी हमको वही फोर्स ठीक लगाना पड़ेगा इस बॉडी को। इस बॉडी को ए सिचुएशन से बी सिचुएशन में रोकना है, बी में रोकना है, तो इस बॉडी पर एक क्या लगाना पड़ेगा? ठीक, हमको कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इस बॉडी को, ए वाली बॉडी को रोकना है तो बी सिचुएशन में, तो कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स लगाना है। अब अगर मुझे कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स लगाना, और डेफिनेशन से हमको पता ही है काइनेटिक एनर्जी वो वर्क डन है जो किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए हम, या रेस्ट में लाने के लिए लगाते हैं,
ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में हमको ये पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन होता है, और ये वर्क डन हमको क्या में कैसे मेजर करना है, तो ये वर्क डन भी हमको पता चल गया है कि कैसे मेजर करना है। कैसे मेजर करना है हमको कि इस बॉडी की सिचुएशन ए से बी में हमको ला के रोक देना है बॉडी को, और इसका अगर वर्क डन मिल जाए तो वही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो हम देख लें कि ये कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स कितना होता है, कॉन्स्टेंट रिटार डिंग फोर्स कितना होता है। अब हम इसको कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी वी से जीरो हो रही है, तो यहाँ रिटार्डेशन ही हो रहा होगा। तो कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स अगर हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू मास देखेंगे और एक्सेलरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे। और यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन जो लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, रिटार्डेशन देखना पड़ेगा। फोर्स इक्वल टू, और मास तो एम होगा, रिटार्डेशन सपोज कर लेते हैं ए है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम में हो जाएगा। ये इसका कांस्टेंट रिटार्डेशन मिल गया आपको। अब आप कह रहे हैं कि इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से ये एस डिस्टेंस में जाके रुक जा रहा है, एस डिस्टेंस पर जाके रुक जा रहा है, तो हमको इसको रोकने के लिए जहाँ जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो इस एस डिस्टेंस के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। और अगर एस डिस्टेंस की वजह के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा जी, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन फोर्स जो है ना, वो कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन फोर्स कितना है, वो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए है और डिस्प्लेसमेंट एस है, तो ये कितना हो गया, एम ए इंटू एस हो गया, ये वर्क डन आ गया आपका। क्या आ गया, वर्क डन आ गया। लेकिन ज़रा देखें आप कि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी यहाँ पर वी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से जा रही थी, और यहाँ पर आप देखें कि वी उसका जीरो हो गया है। तो आप यहाँ पर अपना दिमाग अगर यूज करेंगे थोड़ा सा भी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप ऐसे लिख पाएंगे, टू ए एस ऐसे लिख पाएंगे, और आप देखेंगे कि लास्ट वाली वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी को आपने वी मान लिया है, एज रिटार्डेशन की वजह से यहाँ पर माइनस लगाया और यहाँ पर एस हो जाएगा, और वी स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है, टू ए एस यहाँ आ जाएगा, और ए एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देखें, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू ए आ जाएगा। ये भी आपको एक रिलेशन दे रहा है, और ये जो एस की वैल्यू है यहाँ पर जो वर्क डन मिला है, ये वर्क डन जो मिला है इस वर्क डन में हम क्या करने वाले हैं, उसको पुट करने वाले हैं। पुट कर दो, अब आप अगर पुट करते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए एस में एस की जगह पर पुट करते हैं तो एस की जगह पर वी स्क्वायर बाई टू ए मिलेगा, और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और 1/2 एम वी स्क्वायर मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द बॉडी, या बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो डब्ल्यू के बन जाएगा, और के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी को अगर आप और एक्सप्लेन करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, और इसको मास लिख सकते हैं, और वेलोसिटी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप ऐसे इतना लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर, और ऐसे नहीं वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन याद रखें कि लो वेलोसिटी वर्ड में, लो वेलोसिटी वर्ड में, लो वेलोसिटी वर्ड किसको बोलते हैं, तो लो वेलोसिटी वर्ड हम बोलते हैं जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, वो लो वेलोसिटी वर्ड है। हाई वेलोसिटी वर्ड क्या होता है, हाई वेलोसिटी वर्ड क्या होता है, जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी अप्रोच कर रहा हो स्पीड ऑफ लाइट को,
तो हम देखते हैं कि मैकेनिक्स में जनरली हम उस बॉडी से डील करते हैं जिस बॉडी जो उस जिस एरिया में बॉडी की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। तो हम लोग मैकेनिक्स में ज़्यादातर लो वेलोसिटी वर्ड से ही बात करते हैं, और लो वेलोसिटी वर्ड इतना कम होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से कि हम इस वेलोसिटी को लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है। अब आप देखें कि अगर लो वेलोसिटी वर्ड है तो उसमें मास कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, मास चेंज ही नहीं होता है। लेकिन हाई वेलोसिटी वर्ड में मास कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी के बढ़ने से मास बढ़ जाता है, ये भी आप याद रखें। वेलोसिटी के बढ़ने से मास बढ़ जाता है, ये हाई वेलोसिटी वर्ड में होता है। लो वेलोसिटी वर्ड में मास वेलोसिटी के बढ़ने से या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास कांस्टेंट ही होता है। और अगर मास कांस्टेंट हो गया तो सिंपली सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में आप देख रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मास बॉडी का क्या है, कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हो ना बात अब ये सब? इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के ऊपर अगर ये डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी। अगर आपकी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड है तो काइनेटिक एनर्जी देख लो आप कितना हो जाएगा, 4 जूल हो जाएगा। अगर आपकी वेलोसिटी आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया, मान लो 4 मीटर कर दिया, 4 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो आप ज़रा देखें कि k इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो किस तरीके से 16 जूल किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मतलब आपने वेलोसिटी डबल किया, काइनेटिक एनर्जी उसका 4 गुना हुआ। आपने वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया और काइनेटिक एनर्जी उसका 4 गुना हो गया। आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है प्रोपोर्शनलिटी में, वो काइनेटिक एनर्जी का एक मतलब कह सकते हैं भयंकर मोमेंटम वाला चीज़ हो गया है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ मोमेंटम की बात कर लें तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में भी देख लें, वो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक भी रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में भी चेक कर लें। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम का फार्मूला कितना होता है, एम वी होता है। तो आप ज़रा देखें कि यहाँ पर 1 MV तो बन रहा है, लेकिन 1 M अभी कम पड़ रहा है। देखो यहाँ पर यहाँ भी का स्क्वायर है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, तो 1/2 और एम भी स्क्वायर है, और M से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो K इज इक्वल टू हाफ, और इस वाले M को इसके साथ पकड़ कर रख लो तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा और M हो जाएगा। थोड़ा सा और हम यहाँ पर बात कर लें तो हाफ K इज इक्वल टू हाफ, और एम भी को होल स्क्वायर में कर लें और यहाँ एम हो जाएगा। ये दोनों का स्क्वायर था, हमने इसलिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर लिया और एम को अकेला कर लिया, और के इज इक्वल टू हाफ ऐसे ही रहेगा, और एम भी की जगह पर हम पी लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर बाई एम, या काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2 m। तो काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म ऑफ द मोमेंटम भी आपका ये हो गया। तो आपने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म ऑफ मोमेंटम भी आ गया आपको। अब यहाँ मोमेंटम आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, तो मैं बता दूँ, पी क्या है, मोमेंटम है, एम क्या है, मास ऑफ बॉडी है, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये अब इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत सारी बुक वाले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के फार्मूले को, जो ये पी स्क्वायर बाई 2 m है ना, इस तरीके से लिखते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 m k और पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m k, ऐसे भी लिखते हैं। तो कोई बात नहीं है, ट्रांसपोज करके हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। इस रिलेशन से हम कुछ केस भी निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें कि केस नंबर वन की बात करें, कहें कि एक बॉडी है ये जिसका नाम ए है, एक बॉडी है ये जिसका नाम बी है, इसका मास हम अगर कहें तो इसका मास स्मॉल एम रख लो और इसका मास कैपिटल एम रख लो, इसका मास स्मॉल एम और इसका मास कैपिटल एम, या मैं ऐसे कर दूँ ये स्मॉल एम है और इसका ए रख देते हैं। तो अब आप देखो कि इसका मास स्मॉल एम है, इसका कैपिटल एम है, और इनका जो मोमेंटम है हम ये मानकर चलते हैं कि सेम है, मोमेंटम सेम है। तो ज़रा काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, तो इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 स्मॉल m k1। इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो k2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 कैपिटल m हो जाएगा।
हम इनके दोनों की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करें तो देखेंगे के वन अपान के टू इक्वल टू क्या हमको मिलेगा। हमको मिलेगा पी स्क्वायर बाई टू एम और इधर मिलेगा पी स्क्वायर बाई टू कैपिटल एम। तो इसको सही करोगे तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और टू कैपिटल एम अपान टू स्मॉल एम मिलेगा। और इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो के वन अपान के टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल एम अपान स्मॉल एम। और आपको पहले से ही पता है कि कैपिटल एम जो है वो ग्रेटर है स्मॉल एम से। कैपिटल एम अगर स्मॉल एम से ग्रेटर है तो आप ज़रा बताना कि कैपिटल एम अपान स्मॉल एम ग्रेटर देन वन हो जाएगा। अब ये जो के वन अपान के टू है ना, ये इक्वल टू कैपिटल एम अपान स्मॉल एम आया है, और ये वैल्यू कैपिटल एम अपान स्मॉल एम ये वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाएगा। और के वन अपान के टू ग्रेटर देन वन और के वन ग्रेटर देन के टू आ जाएगा। आपने क्या देखा कि अगर दो बॉडी हैं और दो बॉडी में से किसी एक बॉडी का मोमेंट, दोनों किसी एक बॉडी का मास कम है, किसी एक बॉडी का मास ज़्यादा है, और लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है, तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जिसका मास कम होगा। देखो इसका मास तो कम था स्मॉल एम था, इसका मास ज़्यादा था कैपिटल एम था, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जो स्मॉल एम मास का होगा, जिसका मास कम होगा। अब आपको ऐसे समझ लो, एक मोटा आदमी को दौड़ने के लिए बोल दो, एक पतले आदमी को दौड़ने के लिए बोल दो, तो मोटा आदमी उतना तेजी से दौड़ नहीं पाएगा जितना कि पतला आदमी दौड़ पाएगा। तो पतले आदमी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना मोमेंटम के सेम होने पर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। भाई इसका मोमेंटम सेम है, इसका भी मोमेंटम सेम है, लेकिन इसका मास क्या है, ज़्यादा है। इसका मास ज़्यादा है फिर भी इसके मोमेंटम के बराबर है, तो ज़रूर इसकी वेलोसिटी ही ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ही ज़्यादा हुई होगी। तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है? काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ही ज़्यादा हुई होगी। हमने मोटा और पतले का एग्जाम्पल लेके आपको सेट किया कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसका मोमेंटम ज़्यादा और कम हो सकता है। ठीक है, हम दूसरा केस भी एक ले सकते हैं। दूसरा केस क्या ले सकते हैं? सेकंड केस भी ले सकते हैं, और वो केस क्या है? केस सेकंड, कि एक बॉडी है मेरे पास ये, और एक बॉडी है ये। ठीक है, दो बॉडी है हमारे पास, और इनका मास ए वाले का स्मॉल एम है और बी वाले का मास जो है वो कैपिटल एम है। और अब की बार हमने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर किया है। क्या चेंज किया है? कि काइनेटिक एनर्जी इसका के है, इसका के है, और इसकी जो मोमेंटम है वो सेम नहीं है। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा जी? पी इज इक्वल टू क्या होगा? पी इज के इज इक्वल टू क्या होगा? पी स्क्वायर बाई टू एम, पी वन इक्वल टू, और इस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? पी टू स्क्वायर बाई टू एम कैपिटल एम। और अब अगर आप देखें ध्यान से तो एक चीज़ आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का तो मैंने सेम कर दिया है। अब अगर सेम कर दिया है तो पी वन स्क्वायर बाई टू स्मॉल एम और पी टू स्क्वायर बाई टू कैपिटल एम एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि किसी इक्वेशन का एक साइड दोनों इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा, ये सिनेरियो मिलेगा हमको। यहाँ से टू कैंसिल कर दो और पी वन अपान पी टू कर दो और इसका होल स्क्वायर ले लो और स्मॉल एम अपान कैपिटल एम ले लो। आपको ये पता है कि स्मॉल एम इज लेस देन कैपिटल एम, और इस तरीके से स्मॉल एम अपान कैपिटल एम ये हो जाएगा कैपिटल एम, तो ये लेस देन वन हो जाएगा। और अगर ये लेस देन वन हुआ, ये लेस देन वन हुआ, यानी कि ये लेस देन वन हुआ, तो आपको क्या मिलने वाला है? पी वन अपान पी टू का होल स्क्वायर लेस देन वन मिलने वाला है, यानी कि पी वन अपान पी टू और वन रूट में आ जाएगा, और फिर आपको क्या मिलेगा? पी वन अपान पी टू और लेस देन वन मिलेगा, यानी कि पी वन लेस देन पी टू मिला, पी वन लेस देन पी टू मिला। अब आप ज़रा देखें कि ये एक बॉडी ए थी, एक बॉडी बी थी, इसका मास एम, इसका मास एम टू, और इसका काइनेटिक एनर्जी के, इसका काइनेटिक एनर्जी के, और आपने दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम कर दिया था बट मास आपने डिफरेंट रखा था, तो मोमेंटम उसका ज़्यादा आ गया जिसका मास ज़्यादा था। अब आप देख लो, मोमेंटम इसका ज़्यादा आ गया, इस वाले का मोमेंटम ज़्यादा आ गया क्योंकि इसका मास ज़्यादा था, और इसका मोमेंटम कम आया क्योंकि इसका मास कम था। सिर्फ आपने काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट किया था। और पहले वाले केस में आपने क्या देखा था कि ए बॉडी और बी बॉडी में इसका मास ज़्यादा था, इसका मास कम था, यानी कि स्मॉल एम
जो है वो लेस देन स्मॉल एम था, और दोनों का मोमेंटम सेम रखा था आपने, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा आ गई थी, के वन ज़्यादा आ गई थी और के टू मेरा क्या आया था, ये कम आया था, के टू कम आया था, ठीक है। तो ये लेस एनर्जी, ये लेस मोमेंटम आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, और इस वाले में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इस वाले की काइनेटिक सॉरी इस वाले का मोमेंटम क्या हो गया, कम आ गया, और इसका मोमेंटम ज़्यादा आ गया। तो ओवरऑल ये केसेस बन रहे थे, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वर्क पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।